दोस्तों, मैं फराज मलिक, भारत के मुसलमानों से एक बहुत ज़रूरी बात करना है मुझे। आखिर मैं ये बात करूँगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसा हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग पूरी तरीके से पिस रहे हैं और आपके अपने ही आपको पीस रहे हैं। इस मामले पर आराम से लास्ट में बात करूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ छोटी छोटी खबरें आपको बता देता हूँ। हमारे देश के अंदर रामनवमी के जुलूस के मौके पर बहुत सारी जगहों पर हिंसा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 800 जगहों पर जुलूस निकाला गया, लेकिन एक भी जगह पर हिंसा की खबर नहीं आई। उन्होंने अपने प्रदेश के प्रशासन की बड़ाई करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जहां पर किसी तरह के कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, जबकि हमारे देश के अंदर रमज़ान भी चल रहे हैं और इफ्तार पार्टियाँ भी हो रही हैं और इस दौरान जुलूस भी निकाला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। यहाँ का प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद है। जब यह खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसी भी प्रतिक्रिया देने लगे कि भाई यहाँ पर ऐसी घटना होगी क्यों, क्योंकि यहाँ तो चुनाव हो चुका है, अब दूसरे राज्यों में चुनाव है तो वहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल योगी जी ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्क है। दूसरी खबर अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, इनके ऊपर हेट स्पीच का मामला चल रहा था। 2012 में इन्होंने एक बयान दिया था कि पुलिस को हटा दो, ये वो, बहुत सारे बयान इनके उस वक्त के थे जिसको लेकर इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। 40 दिन ये एक बार जेल में भी रहकर आए थे, लेकिन बेल पर बाहर थे। फिलहाल आज इनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र के राज ठाकरे से जुड़ी है। सुबह मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 3 मई तक यानी ईद तक मस्जिदों से सारे लाउड स्पीकर हटा दो, वरना फिर हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजेगा। अब इसको लेकर शिवसेना, जो महाराष्ट्र की सरकार है, क्योंकि इन्होंने सरकार से ही कहा है ये बात कि आप इसको हटवाएं 3 मई तक, तो शिवसेना के जो संजय राउत थे उन्होंने कहा है कि भाई ये लाउड स्पीकर यानी भोपुओं को हटाने की बात कर रहा है, बल्कि ये तो खुद बीजेपी का भोपू है। यानी शिवसेना का कहने का मकसद ये है कि बीजेपी के साथ ही मिलकर ये इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर चुनाव आने वाला है बीएमसी का। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है और ये भी मुसलमानों के लिए ही है। उत्तर प्रदेश का जो बड़ा इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम है, उसने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मुसलमानों से नफरत करने वाला करार दिया है। सुन्नी मुसलमानों के इस धार्मिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को दूसरे विकल्प पर विचार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी की जगह किसी दूसरी पार्टी का विकल्प चुनें। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की सपा में और अखिलेश यादव की सपा में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्या उनकी ये बात सही है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों से न केवल परहेज है बल्कि नफरत भी है। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता शफीकुर्रहमान बर्क ने भी समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा था, और साथ ही साथ आजम खान के जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने भी अखिलेश यादव के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है। तो समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा बेकार दौर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। क्या वाकई में मुसलमानों को दूसरे विकल्प की ज़रूरत है, या फिर मुसलमान इन्हीं को अपना मसीहा बनाकर आगे बढ़ता रहेगा? अब मसीहा की बात चली है और मुसलमानों के रहबरों की बात चली है, तो आइए अब ज़रा टीवी डिबेट के इन मुस्लिम पक्षकारों की भी बात कर लेते हैं। और आज की इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है। मुसलमानों ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक खबर बता दूं। एक मुस्लिम पक्षकार है शोएब जमाई, इनको आप जानते होंगे, अक्सर ये टीवी डिबेट में ज़्यादातर हर चैनलों पर आपको नजर आते होंगे, और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों के दर्द को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, मुसलमानों के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर ये टीवी एंकरों की और जो बीजेपी के नेता वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनकी लताड़ सुनते हुए ही नजर आते हैं। इनके जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जो मुस्लिम पक्षकार बनकर टीवी चैनल्स पर जाते हैं। कल शोएब जमाई रूबिका लियाकत के शो में गए थे और रूबिका लियाकत के साथ डिबेट कर रहे थे। मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाया था और सभी ने वो वीडियो देखा, मुजफ्फरपुर का, जहाँ पर मस्जिद के सामने कुछ भगवादारी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ पर भगवा झंडा लगाते हैं, तो इसी मैटर पर वहाँ पर डिबेट हो रही थी। शोएब जमाई बोले, भाई मेरे पास वीडियो है वो, जब वो भगवा झंडा लगाया है उन्होंने मस्जिद की दीवार पर, गेट के ऊपर खड़े होके। तो रूबिका लियाकत कहती है, दिखाई ये वीडियो, भाई पूरी इंडिया ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, तो क्या रूबिका लियाकत ने नहीं देखा होगा? रूबिका लियाकत उनसे कहें, दिखाई ये वीडियो। तो शोएब जमाई ने क्या किया, स्क्रीन पर ऐसे सामने दिखाया वो वीडियो, वो वीडियो दिखा रहे थे और स्क्रीन पर जहाँ पर वीडियो चल रहा था उसकी स्क्रीन पर एक टाइटल लिखा हुआ था। वीडियो की स्क्रीन पर लिखा था कि भारत में अब राम को बैन करने का वक्त आ गया है। उन्होंने वो वीडियो दिखाया कि देखिए कैसे वो झंडा लगा रहे हैं मस्जिद के गेट पर, और उस पर लिखा था कि भारत में अब राम को बैन करने का वक्त आ गया है। एक ही झलक दिखाया था और रूबिका लियाकत दो तरफ से चीख पड़ी। आप जरा इसको ठीक से दिखाएं, आखिर ये क्या लिखा है, आपका क्या मकसद है कि राम को बैन करें? आप राम को बैन करेंगे भारत के अंदर? रूबिका लियाकत चढ़ बैठी शोएब जमाई के ऊपर और शोएब जमाई मिमियाने लगे।
एक बार वीडियो हटाया, दोबारा से दिखाया तो दोबारा से फिर वही आ गया स्क्रीन पर कि वीडियो के साथ ऊपर टाइटल लिखा हुआ था कि राम को बैन करने का भारत में वक्त आ गया है। तो क्या आपको लगता है ये सब एकदम से हुआ? यार हो सकता है कि भाई शोएब जमाई से पहले कह दिया हो कि आप ऐसी चीज दिखाना और मैं डिबेट को ऐसे मोड़ पर लेकर आ जाऊंगी कि भाई आपको मैं खरी खोटी सुनाऊंगी, क्योंकि ये लोग जाते ही इसलिए हैं। भाई आपको मुस्लिम पक्षकार बनाकर भेज कौन रहा है? कौन सा मुसलमान आपको मुस्लिम पक्षकार बनाकर भेज रहा है कि आप जाइए हमारी बात रखिए? आप मुजोरी करेंगे, बहस करेंगे? कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि आप जीते हों। हर बार मुस्लिम पक्षकारों को इन मीडिया वालों ने लताड़ा है। जो भी नेता आते हैं बीजेपी के या किसी और पार्टी के, वो हमेशा मुस्लिम पक्षकारों को लताड़ते ही हैं। हमेशा ये लोग उल्टी सीधी बातें ही सुनते हैं, तो जाने की जरूरत क्या है? आप जाना छोड़ दो, ये मीडिया वाले अकेले कैसे एक पक्ष की डिबेट कर लेंगे? जब दोनों पक्ष बैठते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तभी तो इनकी दुकानें चलती हैं। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए मुसलमानों। सबसे पहले आपको इन लोगों को रोकना होगा। टीवी पर ये जो नफरती डिबेट्स देखने को मिल रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी यही है कि दोनों लोग हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। तो जब दो लोग आपस में बैठेंगे और दोनों मुजोरी करेंगे बैठकर, तो जाहिर सी बात है नफरत तो फैलेगी। आप जाना छोड़ दो, दूसरे आ रहे हैं वो अकेले अकेले डिबेट करें, चले जाएं। इन मुस्लिम पक्षकारों को टीवी पर भेजने के पक्ष में कोई भी मुसलमान नहीं है। पहली बात तो लोग इनको देख ही नहीं रहे, गोदी मीडिया वालों को। तो आप वहां पर जाकर क्यों इस तरीके से अपनी भी बेइज्जती करा रहे हैं, मुसलमानों की भी? रुपए के लिए आकर चढ़ बैठी और शोएब जमाई मिमियाने लगे। क्या जरूरत है ऐसी चीजें दिखाने की? भाई खुलेआम आप टीवी पर बैठकर, आपको पता है यहां पर ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आपको नहीं पता था आपके मोबाइल की स्क्रीन पे क्या आ रहा है? आप कह रहे हैं अरे वो मुझे पता नहीं था, मेरे पास व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा, वो मैंने दिखा दिया। आपको इतना नहीं दिख रहा है कि आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा? और आप जो दिखाएंगे उसके देखने से क्या होगा कि भारत में राम को बैन करने का वक्त आ गया है? इसका रिएक्शन क्या होगा? तो नफरतबाजी अगर खत्म करनी है तो भाई आप लोग टीवी डिबेट में जाना बंद कर दो, इनको करने दो जो कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।